हर तरफ ये हुआ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा इस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है. विच वीजा इज इजी फॉर द स्टूडेंट्स, कौन सा वीजा है जो आपको वीजा जो सक्सेस रेट बहुत अच्छा देता है. मीन्स पेरेंट्स भी साथ जा सकते हैं स्टूडेंट के. हाई स्टूडेंट्स, दिस इज वीना वर्ल्ड फ्रॉम नेविगेटर्स ओवरसीज. लेट अस हैव न्यू इन्फॉर्मेशन टुडे. हर तरफ ये हुआ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा इस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है. यूनिवर्सिटीज पे कैप सिस्टम आ रहा है. इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग राइट नाउ. तो विच वीजा इज इजी फॉर द स्टूडेंट्स, कौन सा वीजा है जो आपको वीजा जो सक्सेस रेट बहुत अच्छा देता है, वो है स्कूलिंग वीजा. और स्कूलिंग वीजा का बेनिफिट क्या है कि पेरेंट्स में अगर वो एक बंदा जाना चाहता है, मदर या फादर, वो एज ए गार्जियन बच्चे के साथ अकॉम्पनी कर सकता है. मीन्स पेरेंट्स भी साथ जा सकते हैं स्टूडेंट के अगर वो जाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं. अब इंडिया में यू नो इंटरनेशनल एजुकेशन अगर बच्चे को हम हॉस्टल में डालते हैं तो क्वाइट एक्सपेंसिव है. अगर उसी रेट में हमें ओवरसीज ये एजुकेशन मिल जाए और पेरेंट्स साथ में जा सके तो वो एक अच्छी अचीवमेंट होती है. अब इसके लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट को क्लास 3 से लेके क्लास 11 तक के एडमिशन में एनी टाइम देते हैं. अब सपोज स्टूडेंट 7th में है तो 7th वाला जो है उसको लास्ट 2 इयर्स की मार्कशीट देनी है. कोई भी बच्चा जो जाना चाहता है वो उसको लास्ट 2 ईयर की मार्कशीट देनी होती है जिसमें परसेंटेज होनी चाहिए 60% ईच मिनिमम. और साथ में क्या देना है, MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और पर्सन. ये आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है फॉर योर एडमिशन इन ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स. अब इसमें इन तीनों के साथ अगर पेरेंट्स आना चाहते हैं तो पेरेंट्स जा सकते हैं, या लोकल गार्जियन अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में है और वो आपको एज ए गार्जियन वो अपने पेपर्स दे सकते हैं तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. क्योंकि 18 साल से कम उम्र का स्टूडेंट जो है उनके साथ कोई गार्जियन जरूर चाहिए. ये वीजा कितनी देर का था, ये वीजा आता है आपका प्लस 2 क्लास तक या 18 साल की उम्र तक. अब मान लीजिए आप क्लास 6 में हैं तो आपको ये वीजा लगेगा 18 साल का होने तक या प्लस 2 तक. और आपका जो गार्जियन वीजा है, जो पेरेंट साथ में जा रहे हैं, उनका भी उतने ही ड्यूरेशन का वीजा लगेगा. और आपको जो फाइनेंशियल्स दिखाने हैं वो भी 1 ईयर लिविंग एक्सपेंसेस एंड फीस. अगर आपने 6 मंथ की पे की है तो 6 मंथ की फीस. फंड्स जरूर दिखाने हैं आपको थोड़े से ज्यादा, लेकिन फीस बहुत कम है. गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस जो ऑस्ट्रेलिया में है वो 12,000 डॉलर से शुरू होके अगर क्लास 10th की बात करें तो 20,000 डॉलर तक जाती है. तो दैट मीन्स 6 महीने की फीस अगर 10th में है तो आपको खाली 10,000 डॉलर, दैट मीन्स 5.5 लाख के आसपास देनी है. हेल्थ इंश्योरेंस आपको 12th क्लास तक का ही लेना है. और हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर जो है वो 50,000 से 60,000 होता है. जो गार्जियन है उनको फर्स्ट ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, नेक्स्ट ईयर का वो फिर नेक्स्ट ईयर पे कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कंपलसरी कि आपको अगर कुछ भी 19-20 होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेडिकल सारा उनकी तरफ से होता है एक्सेप्ट डेंटल केयर. डेंटल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. एंड दिस वीजा गिव यू लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज. स्कूल्स से जब आप प्लस टू करके निकलते हैं तो उनका यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप होता है. आपको यूनिवर्सिटीज में अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है और अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो कि हो सकता है इंडिया से जब आप जाएं तो वीजा जैसे अभी स्ट्रिक्ट चल रहा है, क्या पता क्या चांसेस हो और स्कॉलरशिप के क्या चांसेस हो. इसमें आपको लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है जब आप वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हो और आप बहुत सारी चीजें जो है सीखते हो जो कि हमारे यहाँ स्कूल्स में नहीं है अवेलेबल. तो ये वीजा आप जरूर देख सकते हो. और पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर इस तरफ ध्यान दो. अगर आप चाहते हो तो स्कूल्स जो है 2 to 3 weeks के छोटे छोटे कैंप्स भी चलाते हैं, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे इफ यू लाइक, तो फिर आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा सकते हो. थैंक यू सो मच. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.